हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, वंडर दैट वाज इंडिया, जिसे लिखा है आर्थर लेवलिन बाशम। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वंडर दैट वाज इंडिया, इसमें भारतीय संस्कृति की सारी स्पेशलिटी, विशेषताएं, जिनके कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका एक स्पेशल स्थान है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। सो इसे लिखा है आर्थर लेवलिन बाशम ने। इनका जन्म हुआ था 24 मई 1914 को और इनकी डेथ हुई थी 27 जनवरी 1986 को। और ये बहुत ही बड़े इतिहासकार, आइडियोलॉजिस्ट और ऑथर रहे हैं, लेखक रहे हैं। और ये प्रोफेसर थे स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन में, जहाँ इन्होंने 1950s और 60s में टीचिंग की है। और उन्होंने जो जिनको शिक्षा दी है, उनमें से बहुत सारे भारतीय लोग भी रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस भारतीय इतिहासकार रहे हैं, जैसे कि जिसमें प्रोफेसर राम शरण शर्मा इनके स्टूडेंट रहे हैं, रोमिला थापर एंड V.S. पाठक भी इनके स्टूडेंट रहे हैं। सो ये तो हुआ राइटर के बारे में। अब ये वंडर दैट वाज इंडिया, ये एक बुक है, एक बुक है वंडर दैट वाज इंडिया। इसमें एक सर्वे के जरिए लिखा गया है और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया है, मुस्लिम्स के आने के पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो स्थिति थी, इसकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। और ये जो बुक है, एक हिस्ट्री की बुक है, इंडियन हिस्ट्री की बुक है, और इसे आर्थर लेवलिन बाशम ने लिखा है और इसे फर्स्ट पब्लिश कराया गया था 1954 को। और ये जो हमारा जो एसे है, प्रेजेंट एसे है, इसी का पार्ट है, इसी बुक का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है कहना चाहिए। सो अब हम इसकी समरी देखेंगे, एसे की समरी हिंदी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें विश्वास है, अब आर्थर जी कहते हैं, हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता निरंतरता बनाए रखेगी। पहले भी ये सभ्यता थी, अभी भी है और आगे भी, फ्यूचर में भी ये रहेगी। भगवत गीता मनुष्यों को कार्य करने हेतु हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करती आई है, आगे भी रहेगी, इस कार्य को वो करते रहेगी, मनुष्यों को प्रेरित करते रहेगी। और आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में भगवत गीता पढ़ाया जाता है, पूरा वेस्ट, पूरा वर्ल्ड एक तरह से भगवत गीता के ज्ञान से वंचित नहीं है। और उसी तरह ही उपनिषद में जो विचारशील लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते रहेगा, जो विचार मग्न जो लोग हैं उनको इंस्पायर करते आया है और आगे भी करते रहेगा। अब सतत रूप से भारतीय जीवन का जो आकर्षण है, भव्यता है, ग्रेसियसनेस है, वो बनाए रखेगी। आगे भी भारतीय जीवन की जो भव्यता है, आकर्षण थी, बहुत ही अच्छी थी और आगे भी ये बरकरार रहेगी, इसकी चमक फीकी नहीं पड़ेगी। चाहे जितना भी पश्चिम की जो समय बचाने वाली योजनाएं लागू हो जाएं, कितना भी वेस्ट का इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन जो भारतीय सभ्यता अपनी चमक को खोएगी नहीं। मनुष्य अभी भी रामायण तथा महाभारत के नायकों को याद करेगा, उनके नायकों को पसंद करेगा। ये देखिए रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं, रामायण तथा महाभारत के नायकों तथा दुष्यंत और शकुंतला, पुनर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानियों को याद रखेगा और इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा के रखेगा। प्रसन्नता एवं शांति जो कि भारतीय जीवन को सदैव प्रभावित करती रही हैं। अब भारतीय जीवन शैली की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें एक शांति है, एक ठहराव है, एक कहना चाहिए शालीनता है। तो ये आगे भी सभी को प्रभावित करते रहेगी, चाहे पश्चिम की भागम भाग वाली जिंदगी कितनी भी इस पर प्रभाव डालने की कोशिश करे, लेकिन जो भारतीय संस्कृति की ये जो ठहरा हुए खत्म नहीं होगा, इसका प्रभाव नष्ट नहीं होगा। इसमें तरह तरह के शोषण आए हैं, बीमारियां आई हैं, गरीबी हैं, इस सब ने इसके ऊपर प्रभाव डाला है, लेकिन इसकी जो चमक को फीकी नहीं कर पाया है, इसमें अभी भी जो चमक जो थी वो बरकरार है। प्राचीन भारत की सभ्यता की बहुत सारी अनुपयोग बातें जो अब समाप्त हो चुकी हैं, अब भारत के अंदर भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, वो बहुत हद तक अब समाप्त हो गई हैं, ऐसा राइटर लिखते हैं। और हालांकि जैसे कि वैदिक काल में जो बहुत सारी अलाभदायक चीज़ें थी, जो नॉन बेनिफिशियल चीज़ें थी, वो अब
अब ये छोड़ी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ पंथों में, कुछ सेक्ट में अभी भी पशु बलि दी जाती है। पहले जो ये पशु बलि की जो कुप्रथा थी पहले थी, लेकिन अब बहुत हद तक ये खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ सेक्ट में अभी भी दी जाती है। विधवाओं को अपने पति की अर्थी के साथ जलाने की जो परंपरा थी अब वो रुक गई है। कानून में इसे जो सती प्रथा को बंद करा दिया गया है, और कानून के द्वारा लड़कियों की जो बचपन में जो शादी करने की जो प्रथा थी, जो बाल विवाह की प्रथा थी, वो भी बंद की जा चुकी है कानून के जरिए। अब बसों और रेलवों में ब्राह्मण नीची जाति के लोगों के साथ मिल बैठ कर रहते हैं। मतलब जो अस्पृश्यता का जो चलन था, छुआछूत का जो चलन था भारतीय समाज में, वो खत्म हो गया है। और उन्हें किसी भी प्रकार से मतलब कोई परेशानी नहीं है, लोग आपस में प्यार से रहते हैं, जातियों का भेद नहीं है। मंदिर भी अब सभी जातियों के लिए खोले जा चुके हैं। जातियां समाप्त हो रही हैं, जातियों का जो प्रभाव था, जो दुष्प्रभाव था कहना चाहिए, वो समाप्त हो रहा है, जो अच्छी बातें अभी भी हैं। और अब इसकी जो गति है, इसके समाप्त होने की जो गति है, वो बहुत ही तेज गति से जा रही है। और जातियों की जो कट्टरता थी, जातियों में कास्ट सिस्टम में जो कट्टरता थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो रही है। और ये एक दो पीढ़ी की बात है, ये पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगी, ऐसा राइटर कहते हैं। पुरानी परिवार प्रथा भी वर्तमान की स्थिति को ग्रहण कर रही है। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, अब इसके बजाय क्या हो रहा है, छोटे परिवार हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। तो ये भी चेंज हो रहा है, भारतीय समाज चेंज हो रहा है। वास्तव में भारत का जो समस्त स्वरूप है, समस्त फेस ही बदल रहा है, पूरा का पूरा चेहरा बदल रहा है। पर संस्कृति के जो बेसिक परंपराएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं अभी भी चालू हैं, अभी भी लागू हैं, और ये कभी भी नष्ट नहीं होगी। मतलब भारतीय समाज में, भारतीय कल्चर में एक जो खास बात है, वो जान है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, ऐसा कहते हैं राइटर। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो समस्त भाग है, पूरा का पूरा भाग है, वो भारत की संस्कृति की ही देन है। जो 5वीं ईसा पूर्व में, 5वीं ईसा पूर्व में, 5th सेंचुरी BC में, शताब्दी में पश्चिम के अनेक लोगों ने श्रीलंका पर अपनी बस्तियां बसाई। मतलब भारत का जो पश्चिम है, जो इंडियन वेस्ट है, वहाँ के जो लोग हैं वो श्रीलंका गए, और श्रीलंका में जो पहले सिलोन कहा जाता था वहाँ गए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई, बस्तियाँ बसाई। और दक्षिण पूर्व एशिया में गए, उन्होंने उसमें अपना प्रभाव छोड़ा, भारतीय संस्कृति का प्रभाव छोड़ा। उसी समय भारत के कुछ व्यापारियों ने, मर्चेंट जो मलाया गए, सुमात्रा गए, दक्षिण पूर्व एशिया गए, और अनेक भागों की यात्रा की, और वहाँ भारतीय संस्कृति के जो अमिट छाप छोड़ी वहाँ पर। धीरे धीरे उन्होंने अपना स्थायी निवास भी वहाँ बना लिया, कुछ लोग वहीं बस गए, और उन्होंने वहाँ की जो महिलाओं से शादी भी की, जो जो स्वदेशी महिलाएं, उनसे शादी भी की और वहीं बस गए। बाद में कुछ ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षु भी वहाँ उन्होंने यात्रा की, और यहाँ की संस्कृति वो वहाँ ले गए। इस तरह से एक नई सभ्यता का वहाँ पर जन्म हुआ, एक नई सभ्यता वहाँ विकसित हुई, जो कि जिसमें भारतीय सभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और उन अनेक बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो चुकी थी वहाँ पर, और समुद्री शक्तियाँ बन चुकी थी, मैरिटाइम एम्पायर बन गए थे, जिन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक इमारतें बनाई, स्मारक बनाए। जैसे जावा में बोराबुदुर का बौद्ध स्तूप, ये देखिए आप, ये जावा में बहुत ही यूनेस्को का नेशनल हेरिटेज है, ये यूनेस्को हेरिटेज है, ये साइट है। ये इसमें बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है, भारत का बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है, ये जावा में है। इसके अलावा कंबोडिया के अंकोर में जो शैव मंदिर है, आप यहाँ देखिए स्क्रीन पे, ये कंबोडिया का शैव मंदिर है। मतलब इसमें हिंदुइज्म का और बौद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है इस पूरे इसमें एरिया में। तो दूसरी ओर चीनी और मुस्लिम सभ्यताओं का प्रभाव भी पड़ता है इस क्षेत्र में, परंतु प्रेरणा जो है, वास्तविक जो प्रेरणा है और जो प्रभाव है, वह है भारतीय सभ्यता का ही है। मतलब भारतीयों ने जितना प्रभाव इस क्षेत्र में डाला है, उतना किसी ने नहीं डाला है। नाउ मूविंग ऑन टू भारतीय इतिहासकार देश के भूतकाल पर गर्व करते हुए इस क्षेत्र को विशाल भारत या कहना चाहिए ग्रेटर इंडिया की उपाधि देते हैं। मतलब भारतीय जो इतिहासकार हैं, वो इस इतने भूतकाल पे गर्व करते हैं, अपने पास्ट पे गर्व करते हैं, और इतना गर्व करते हैं कि वो अपने उत्साह में ये कह देते हैं कि ये भारतीय विशाल भारत था, ये ग्रेटर इंडिया था, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो भाग है।
भारतीयों की जो बस्तियों के रूप में इसका जो बखान करते हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं है, ऐसा राइटर कहते हैं, क्योंकि वो आधुनिक रूप में बस्तियां नहीं थी। जिस तरह से जो कॉलोनी ब्रिटेन ने और फ्रांस ने जो बसाई थी, जो उपनिवेश बसाया था, जो एकदम दमनकारी चक्र के जरिए तलवार के जोर पे जो बस्तियां बसाई थी ना, ऐसी बस्तियां भारतीय लोगों ने नहीं बसाई हैं। किसी को मार के काट के या किसी के ऊपर अपने धर्म को थोप के ऐसी बस्तियां भारत के लोगों ने नहीं बसाई हैं। भारत के एक ऐतिहासिक राजा हुए हैं राजा विजय, जिन्होंने श्रीलंका को जीता था। तो एकमात्र एविडेंस मिलता है श्रीलंका के राजा सॉरी भारत के राजा विजय का, आर्यन राजा थे वो, आर्य के राजा, और वो श्रीलंका पे उन्होंने तलवार के जोर पे बस्तियां बसाई थी और इन्होंने शक्ति का प्रयोग किया था और इसके तरह अधिकार जमाया था। इसके अलावा हमें कोई प्रमाण नहीं किसी ने भारत की सीमाओं के बाहर जाकर इन क्षेत्रों पर, इन रीजन पर विजय प्राप्त की हो और अपनी संस्कृति को थोपी हो, ऐसा राइटर कहते हैं, आर्थर जो राइटर हैं। भारतीय बस्तियां शांति क्षेत्र थी, जो बस्तियां थी वो बहुत ही शांत थी, पीसफुल थी, तथा वहां के स्थानीय लोगों को उन्होंने सिखाया जो भारत ने उन्हें सिखा सकता था। भारत ने अपनी अच्छाई, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को उन्हें सिखाया। उत्तर दिशा में भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है मध्य एशिया होते हुए चीन तक पहुंचा। अभी जो अभी तक तो बात हो रही थी दक्षिण पूर्व एशिया की, अब बात हो रही है उत्तर देश उत्तर दिशा में। तो इसमें जो प्रभाव था भारतीय संस्कृति का, ये पहले मध्य एशिया में फैला, फिर धीरे धीरे यहाँ से होते हुए चीन तक भी पहुंचा भारतीय संस्कृति का प्रभाव। मौर्यों के शासनकाल में भारत और चीन के मध्य एक कमजोर कड़ी स्थापित हुई थी, मतलब एक संपर्क स्थापित हुआ था मौर्य काल में, जो कि उसके पूर्व नहीं था, मतलब उसके पूर्व जो है उस संपर्क स्थापित नहीं हुआ था। ये मौर्य काल में ही जो चीनी जो जो इतिहासकार थे भारत का दौरा किए थे, यहाँ पढ़े भी थे, कई लोग जो यहाँ नालंदा इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़े थे बोलते हैं, और इस तरह से उनका संपर्क हुआ था। जबकि 2000 वर्ष पूर्व हूण साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को कैस्पियन तक बढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन जो असली संपर्क तब बढ़ा जब 2000 साल पूर्व जो चीन का जो हूण साम्राज्य था, उन्होंने अपनी सीमा को कैस्पियन सागर तक जब बढ़ाने का प्रयत्न किया, तो भारत और चीन की संस्कृति आपस में मिली जुली और उनका संपर्क हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया के विपरीत चीन ने बहुत सी भारत की बातों को अपनी संस्कृति में नहीं मिलाया, जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया ने भारतीय संस्कृति को खुले दिल से अपनाया, हर बात को अपनाया, अपने में आत्मसात कर लिया, ऐसा चाइना ने नहीं किया है, जाहिर है नहीं किया। अब फिर भी संपूर्ण सुदूर भारत भारत के बौद्ध धर्म के लिए ऋणी है, जिनमें चीनी, कोरियाई, जापानी, तिब्बती संस्कृतियों को एक विशेष दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे सुदूर भारत तक के जो ये जो क्षेत्र है, जैसे कि चीन है, कोरिया है, जापानी, सारे क्षेत्रों में बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अब बुद्धिज्म कहाँ से आया है? भारत से आया है, मतलब ये संस्कृति, इनकी जो संस्कृति है उसमें बहुत हद तक ये ऋणी है, भारत के ऋणी है, क्योंकि ये बुद्धिज्म के ऋणी है, क्योंकि इनपे बुद्धिज्म का प्रभाव है। भारत की एशिया के साथ साथ दुनिया को भी विशेष देन है, भारत ने इन लोगों को भी दिया है, जैसे कि जो दुनिया को क्या दिया है, चावल दिया है, रुई, गन्ना, विभिन्न प्रकार के स्पाइसेस, मसाले, जो घर में पाली जाने वाली घरेलू मुर्गियां, शतरंज का जो खेल है, और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो है गिनने का दशमलव का सिद्धांत, जिसमें किसी प्राचीन अनजान भारतीय ने इसे बनाया था, जिसका हमें नाम नहीं मालूम, और जो कि ईसा पूर्व काल से पहले का था, ईसा पूर्व पहले काल का किसी भारतीय जो गणितज्ञ ने ये दशमलव सिस्टम का इस्तेमाल किया था, उद्भव किया था, और इसे पूरी दुनिया को एज अ गिफ्ट दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का पश्चिम पर प्रभाव के विषय में अनेक बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय संस्कृति ने पश्चिम पर प्रभाव डाला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं डाला है, तो डिस्प्यूट है, विवाद है ये। फिर भी मिश्रित यहूदी सभ्यता, जो कि एसनीस कहलाती है, एक यहूदी सभ्यता है, जो जीव सभ्यता है, मिश्रित यहूदी सभ्यता, जो कि जिसे एसनीस कहा जाता है, जिसमें ईसाई सभ्यता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इस जो यहूदी सभ्यता ने ईसाई सभ्यता को प्रभावित किया है, तो
नई बाइबल, जो न्यू टेस्टामेंट है, नई बाइबल है, तथा पाली ग्रंथों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। और ये जो एसनीस जो यहूदी संप्रदाय है, वो भी कुछ अर्थों में बौद्ध धर्म की भांति भारतीय मठों की प्रणाली को पालन करते हैं। मतलब जो बौद्ध धर्म है, जो मठों की प्रणाली है ना, मॉन्ग सिस्टम है, ऐसा सिस्टम कुछ हद तक ये जो यहूदी लोग में भी फॉलो किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो यहूदी धर्म है, बुद्धिज्म से प्रभावित हुआ है, और इस यहूदी धर्म ने क्रिश्चियनिटी को प्रभावित किया है। मतलब अल्टीमेटली जो क्रिश्चियन धर्म है, वो भी बुद्धिज्म से प्रभावित है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। पश्चिमी दार्शनिक एवं संत, और इसके अलावा जो बाइबल है न्यू टेस्टामेंट में, और जो भारत का जो पाली धार्मिक ग्रंथ है, पाली जो एक क्षेत्र का जो धार्मिक ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, पाली स्क्रिप्चर, इसमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। पश्चिमी दार्शनिक एवं संत, जो कि पाइथागोरस से प्लोटिनस तक, जो पश्चिमी जो धार्मिक जो दार्शनिक हैं, जो संत हैं, जैसे पाइथागोरस हो गए, प्लोटिनस हो गए, इनकी शिक्षाओं में, इनकी जो धर्म में जो शिक्षा देते हैं, इनमें कहीं ना कहीं उपनिषदों का प्रभाव है। उपनिषद में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें समानता पाई जाती है। माने इन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया होगा, ट्रांसलेशन के जरिए उपनिषद को, भारतीय उपनिषद को पढ़ा होगा, इसलिए इनमें जो बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है भारतीय दर्शन का। पर कोई भी समानता किसी निश्चित बात तक नहीं, मतलब राइटर कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कितना प्रभाव है। प्रभाव तो है, लेकिन स्पष्ट तौर पे उसको एक तरह से मेजर नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी प्राचीन विश्व पश्चिमी विद्वान ने विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कि उन्होंने भारतीय धर्म का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया हो, भारतीय धर्म को, भारतीय साहित्य को एकदम अच्छे से पढ़ा हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव की हम बात नहीं कर सकते। हम केवल ये कह सकते हैं कि प्राचीन यूनानी, जो ग्रीक, ग्रीस जो देश है, उसके लोगों को यूनानी कहा जाता है, ग्रीक कहा जाता है, और भारतीय सभ्यता में कुछ समानता है, सिमिलैरिटीज है। जब यह सभ्य समानता कम होने लगी, तो ईसाई मत फैलने लगा, और उसी समय क्या हुआ था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। हमें यह मालूम है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो संत हैं, उन्होंने पश्चिम देशों की यात्राएं की हैं, वेस्ट की यात्रा की है, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, सब तरफ की। और यह भी हमें पता है कि जो सिकंदरिया, जो अलेक्जेंड्रिया में भारतीय बस्तियां बसाई गई थी, कॉलोनीज बसाई गई थी, और इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि जो न्यू प्लेटोनिज्म है, जो नव प्लेटोवाद है, और जो प्रारंभ में जो ईसाई धर्म है, जो शुरुआत में जो ईसाई धर्म था, इस पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। मतलब ये सारी की सारी संस्कृतियां, जो वेस्ट की संस्कृति हैं, इसमें हमारी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। कुछ विद्वानों को यह शंका होती है, यह डाउट होता है कि प्राचीन भारतीय विचारों का जो प्राचीन पश्चिम पर कुछ प्रभाव पड़ा हो। मतलब कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि पश्चिम में भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा हो, ऐसा ये राइटर लिख रहे हैं, जो आर्थर जी हैं। पर यह बात में कोई डाउट नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, पिछले 1.5 शताब्दी में यूरोप में और अमेरिका के जो विचारों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, भारतीयता का प्रभाव पड़ा है, परंतु ये बात को पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। वो क्रेडिट नहीं देते कि हम पे प्रभाव पड़ा है भारतीय संस्कृति का, उसको क्रेडिट ही नहीं मिलता। यह प्रभाव नवीन हिंदू मिशनरी के संगठित रूप से कारण नहीं है। कुछ हिंदू मिशनरीज भी थे जो वेस्ट में गए थे, तो कहते हैं इनके जरिए यह प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि जो पिछले 80 सालों में थियोसॉफिकल समाज की स्थापना हुई है वेस्ट में, वेस्ट कंट्री में जो थियोसॉफिकल समाज की स्थापना की गई है, जो कि भारतीयों ने की है, भारतीय संतों ने, विद्वानों ने स्थापना की है, संगठन बनाए हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके साथ ही अनेक बौद्ध समाजों की स्थापना हुई है, संगठनों की स्थापना हुई है, का निर्माण भी यूरोप में और अमेरिका में हुआ है, जिन पर 19वीं शताब्दी के जैसे संत हैं राम कृष्ण परमहंस और उनके जो शिष्य थे विवेकानंद, ये सब का भी प्रभाव पड़ा है। मतलब जो वेस्ट की संस्कृति में ये जो संत हैं, भारतीय संत राम कृष्ण परमहंस और विवेकानंद का बहुत ज़्यादा प्रभाव है।
ये वेस्ट में गए थे। आपको याद होगा विवेकानंद ने जो अमेरिका में जो भाषण दिया था भारतीय संस्कृति के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा उसका प्रभाव है, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये भाषण था और अभी भी इस की अमिट छाप हमें दिखाई देती है। कुछ छोटे समाजों का निर्माण भी भारतीय संतों ने किया है, कुछ छोटे छोटे सोसाइटीज बनाए हैं जो कि आध्यात्मिक, जिसमें रंग है आध्यात्मिक है और जिनके बहुत ही अच्छे कैरेक्टर रहे, अच्छे चरित्र रहे हैं। पश्चिम के कुछ विद्वानों ने भी इसकी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। पश्चिम के विद्वानों ने, जिन्हें संस्कृत का जो अध्ययन था, कुछ लोग इन्हें संस्कृत जानते थे तो डायरेक्टली उन्होंने संस्कृत को ही पढ़ा, मतलब ट्रांसलेशन के जरिए नहीं पढ़ा बल्कि डायरेक्ट भारतीय साहित्य को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, वेद को पढ़ा, गीता को पढ़ा, रामायण महाभारत पढ़ा, जिन्हें भारत का स्वयं का अनुभव है, डायरेक्ट अनुभव है, फर्स्ट हैंड अनुभव है कहना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। उन्होंने पश्चिम को भारतीय योग का ज्ञान बताया और वेदांत की के बारे में बताया, वेदांत की तरफ झुकाव बढ़ाया, वेदांत देखो कितनी अच्छा है, इस तरह वेदों के बारे में बताया। उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती और उनको हम नहीं कह सकते कि उनका कोई योगदान है, उन लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और बड़े विद्वान एवं आध्यात्मिक गुणों से संपन्न ये रहे हैं, ये जो विद्वान रहे हैं पश्चिम के विद्वान। हम चाहे उन पश्चिम के विद्वानों पर कितना भी विचार करें पर यह निश्चित है कि उनका भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब उनका जो प्रभाव है वो बहुत हद तक नहीं पड़ा, ऐसा वो राइटर कह रहे हैं। महात्मा गांधी का जो पश्चिम पर जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ज्यादा है। पश्चिम में जो पश्चिम के बहुत सारे विचारक हैं, इन्होंने जो भारतीय संस्कृति को महात्मा गांधी के जरिए जाना है, महात्मा गांधी से उनका संपर्क रहा है और पश्चिम में उनकी जो लगन है, जो बर्निंग सिंसियरिटी है, जो उनकी अथक शक्ति है, उनकी जो एनर्जी है, उसके वो कायल रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। और स्पेशली जो उनका अहिंसा का जो सिद्धांत है जिसके द्वारा भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की, उस सिद्धांत के वो कायल रहे हैं पश्चिमी लोग। पर इसमें से इससे भी अधिक अगर प्रभाव किसी चीज का रहा है पश्चिम में तो वह है भारतीय धार्मिक साहित्य का, भारतीय रिलीजियस लिटरेचर का और यहाँ के दर्शन का, यहाँ के स्पिरिचुअलिज्म का और फिलासफी का बहुत बड़ा योगदान है। इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं वेस्ट के लोग, ऐसा ये खुद जो अंग्रेज राइटर लिख रहे हैं। शीघ्र ही बंगाल के एशियाटिक समाज के यूरोप में कुछ अनुयायी बने। अब बंगाल का जो एशियाटिक समाज था, एशियाटिक सोसाइटी था, इसके यूरोप में बहुत सारे फॉलोअर्स बने, बहुत सारे लोगों ने इनका अनुसरण किया। और जो गेटे, गेटे एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन के दार्शनिक थे और राइटर भी थे और उन्होंने अन्य विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य का अनुवाद के जरिए अध्ययन किया, मतलब ये वेदों का, ये उपनिषद का ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, इसको उन्होंने पढ़ा, कुछ जर्मन ट्रांसलेशन भी हुआ था, इसको उन्होंने पढ़ा। और हम जानते हैं कि गेटे ने भारतीय नाट्य कला के जो बहुत कुछ उधार लिया है, भारतीय नाट्य कला के जो गुण हैं उसको उन्होंने जाना है और इसको उन्होंने अपने एक रचना, उन्होंने लिखा एक लिखा है फॉस्ट करके लिखा है, गेटे ने क्या लिखा है, फॉस्ट लिखा है, इसमें भारतीय नाट्य कला का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है, यूज हुआ है, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया है ट्रांसलेशन के जरिए। और उनका ये कथन सत्य है कि उस नाटक के जो सेकंड भाग है, दूसरा भाग है, उसमें भारतीय एकात्म के विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो भारत का जो एकात्मवाद है, जो मोनिज्म है, अद्वैतवाद है, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसमें। हम देखते हैं अब अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद कहता है, मोनिज्म कहते हैं जिसे, कि एक ही परम तत्व, एक ही परम ईश्वर है जिसके जिसमें जितने भी जीव हैं, आत्माएं हैं, वो वास्तव में उसी की प्रतियां मात्र हैं, उस परम ईश्वर की, एक एक ईश्वरवाद की सिद्धांत की बताता है। तो इस सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं गेटे और उन्होंने इस सिद्धांत का अपने साहित्य में यूज किया है। उसका यह कथन सत्य है कि उस नाटक के दूसरे भाग पर भारतीय एकात्म का विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। गेटे ने
गेटे के द्वारा जर्मनी ने के अन्य विद्वानों ने भी भारतीय दर्शन का जाना। अब गेटे ने अपने साहित्य में जो भारतीय दर्शन के बारे में लिखा है उसके जरिए बाकी जो विद्वानों ने भी भारतीय साहित्य को पढ़ा, भारतीय दर्शन को समझा गेटे के जरिए, और वो परिचित हो पाए इसके दर्शन को, इसके अद्वैतवाद के सिद्धांत को। जर्मनी का दार्शनिक शोपेनहावर, अब एक और दार्शनिक रहे हैं शोपेनहावर करके, वो डायरेक्टली स्वीकार करते हैं कि उनके विचारों को भारतीय बौद्ध धर्म ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि मैं बौद्धिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। और उसी तरह ही हीगल, फिक्स्टे भारतीय दर्शन का उन्होंने अध्ययन नहीं करते तो उनका एकात्मवाद वैसा रूप नहीं लेता जैसा कि आज है। उनका भी बहुत बड़ा दर्शन है, एकात्मवाद है, मोनिज्म है, तो उनका जो दर्शन है भारत के एकात्मवाद से, अद्वैतवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित है। यह सब उन्होंने उपनिषदों का इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट के अनुवादों से पढ़ा। अब ये बहुत ही कठिन नाम है, एक नाम है एक्लवेटल ड्यूरोप्रोन, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था उपनिषद का, भारतीय उपनिषद का ट्रांसलेशन किया था। इस ट्रांसलेशन को उन्होंने पढ़ा है, उस ट्रांसलेशन के जरिए वो भारत के जो इस विचारों से वो अवगत हो पाए हैं, जान पाए हैं। अमेरिका में सबसे अधिक भारतीय विचारों का प्रभाव इमर्शन पर पड़ा है। इमर्शन बहुत ही ग्रेट राइटर हैं, ग्रेट राइटर थे अमेरिका के, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय फिलोसफी का, दर्शन का, संस्कृति का। उसी तरह थॉरियो भी हैं जो ग्रेट राइटर अमेरिका के थे, और उसके अलावा और जो राइटर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने भारतीय ग्रंथों को, साहित्य को पढ़ा है अनुवादों के जरिए, ट्रांसलेशन के जरिए, और इस प्रकार उन्होंने अपने जो कंटेम्परीज, जो समकालीन और उत्तराधिकारी थे उनको प्रभावित किया है। अब उन्होंने ये प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जो जो साहित्य लिखा और उनके साहित्य को दूसरे लोगों ने पढ़ा तो वो इनडायरेक्ट रूप से वो भी भारतीय संस्कृति से और भारतीय दर्शन से प्रभावित हुए। मतलब कुछ डायरेक्ट प्रभाव है भारतीय दर्शन का तो कुछ इनडायरेक्ट प्रभाव है, लेकिन प्रभाव तो है। विशेषतः स्पेशली वॉल्ट व्हाइटमैन ग्रेट पोएट अमेरिका के, कैरलाइल का भी वॉल्ट व्हाइटमैन का में प्रभाव दिखता है भारतीय संस्कृति का। और कैरलाइल जो, अब आ गए बात यहाँ की, इंग्लैंड की बात आ गई, कैरलाइल इंग्लैंड के बहुत ही फेमस प्रोज राइटर थे, गद्य लेखक थे। कैरलाइल के द्वारा जर्मन दर्शकों ने और 19वीं सदी के बाद कुछ लेखकों ने, जिसमें रिचर्ड लेफ्रीज और एडवर्ड कारपेंटर प्रमुख थे, के द्वारा भारतीय ज्ञान नए इंग्लैंड तक पहुंचा। तो ये बहुत सारे राइटर्स हैं, रिचर्ड लेफ्रीज, एडवर्ड कारपेंटर, ये सब भी भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और कैरलाइल भी इंग्लैंड में के राइटर थे, वो भी प्रभावित थे भारतीय संस्कृति से और दर्शन से। और हालांकि यूरोप तथा अमेरिका के समकालीन जो दार्शनिक थे, विचारधारा में भारतीय एकात्मवाद का बहुत कम प्रभाव पड़ा है, पर फिर भी इसके प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 600 ईसा पूर्व के उन संतों ने जिन्होंने गंगा की घाटी के जंगलों में तपस्या की, उनका संसार में आज भी प्रमुख स्थान है। मतलब 6000 साल पहले, 600 ईसा पूर्व, जब ये जो गंगा की घाटी में जो हमारे जो संतों ने जो तपस्या की है, उनकी जो तपस्या है व्यर्थ में नहीं गई है, उनका जो उन्हें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान का पूरे विश्व ने फायदा उठाया है, उसको पूरे विश्व को लाभ पहुंचा है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। आज के युग में यूरोपीय सभ्यता, यूरोपीय कल्चर या भारतीय सभ्यता की बात करना एक काल दोष है। ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग ये बात है। अभी कुछ समय पूर्व तक संस्कृतियां स्पष्टतया विभाजित थी, पूरी से मतलब एकदम क्लियरली डिवाइडेड थी कि ये संस्कृति, ये पश्चिमी सभ्यता, ये भारतीय सभ्यता, ये सभ्यता है। पर अब ये, जबकि भारत से इंग्लैंड की यात्रा मात्र 30 घंटे की है एरोप्लेन के जरिए, सांस्कृतिक विभेद मिट रहे हैं। तो ये जो संस्कृति का जो डिवीजन था, विभेद था, वो मिट रहा है, धीरे धीरे मिट रहा है। यदि साम्यवाद, कम्युनिज्म, उदार प्रजातंत्र में एक समन्वय स्थापित हो जाए, एक दोनों में एक कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो
तो ये जो सभ्यताएं हैं, ये जो जो सोसाइटीज हैं, कल्चर्स हैं, ये बनी रहेंगी, तो शायद भविष्य में संसार में एक ही संस्कृति रहे, एक वैश्विकवाद, एक वैश्वीकरण रहे, एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चलेगा। तो आशा की जा सकती है कि बहुत से जो स्थानीय जो अंतर हैं वो मिट जाएंगे। जो अभी डिफरेंसेस हैं, जो थोड़े बहुत तो रहेंगे, लेकिन जो ये जो लार्जर डिफरेंसेस मिट जाएंगे, अंतर मिट जाएंगे, और एक जो वैश्विक संस्कृति बनेगी, एक ग्लोबलाइज्ड संस्कृति बढ़ेगी बनेगी जो बहुत ही अच्छी होगी, जिसमें सभी संस्कृतियों की अच्छी चीज़ें होंगी। तो विश्व संस्कृति में भारत का वैसे ही काफ़ी योगदान बड़ा है, अभी तक बहुत ही बड़ा योगदान है भारतीय संस्कृति का, और वो आगे भी रहेगा। जैसे जैसे उसकी आज़ादी एवं सम्मान बढ़ेगा, जैसे अब भारत को आज़ादी मिल चुकी है, उसका सम्मान और बढ़ेगा, तो ये संस्कृति में जो योगदान है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और यदि किसी और कारण से नहीं, तो इस कारण से भारत की प्राचीन विरासत को संभाल कर रखना होगा, और उसकी जो सफलताओं को, उसकी असफलताओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह जो केवल भारत की विरासत नहीं है, ये जो विरासत है, जो भारतीय संस्कृति की विरासत, सिर्फ भारत की नहीं होकर पूरे मानव मात्र की विरासत है, पूरे मैनकाइंड की विरासत है। तो ये भारत संस्कृति बहुत ही अमिट है, बहुत ही अक्षुण्ण है, और इसे हमें संभाल कर रखना होगा, ऐसे राइटर कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। थैंक यू सो मच।